हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अंशु एंड आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जब आप एक नया इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट करते हो तो ऐसा होता है ना कि जो भी आपको अकाउंट सजेशन में आता है आप उसे रिक्वेस्ट भेज देते हो। आपको पता भी नहीं होता है कौन है कौन नहीं, पता नहीं आपने किया है नहीं, पर जब मैंने शुरुआत में इंस्टाग्राम चालू किया था काफ़ी टाइम पहले, जो भी अकाउंट मुझे दिखता था ना सजेशन में, मैं सबको रिक्वेस्ट भेज देता था। फिर बाद में पता चला कि सभी को रिक्वेस्ट नहीं भेजते एंड काफ़ी लोग तो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी नहीं करते थे। और मतलब ऑब्वियस सी बात है, लोग नहीं एक्सेप्ट करते जब जानते नहीं हैं तो। अगर आपके साथ भी यही केस है कि आपने बहुत सारे लोगों को रिक्वेस्ट भेज रखी है इंस्टाग्राम पे एंड इवन अभी आपको ये भी नहीं पता आपने किस किस को भेज रखी है एंड कितनी रिक्वेस्ट पेंडिंग पे है, मतलब आपने भेज रखी लेकिन ना सामने वाले इंसान ने एक्सेप्ट की और ना ही उसने रिजेक्ट किए, अगर आप ये जानना चाहते हो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से इसे जान सकते हो। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए। बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम ऐप को ओपन करना है, देन आपको अपने प्रोफाइल सेक्शन में जाना है। वहाँ पर जाने के बाद आपको ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करना है, देन आपको सेटिंग में जाना है एंड यहाँ पे आपको सिक्योरिटी का ऑप्शन दिखेगा, आपको उसके ऊपर टैप करना है। देन आपको यहाँ पे एसएस डेटा का ऑप्शन होगा, जैसे ही आप उस पर टैप करोगे आपको थोड़ा सा वेट करना है, उसके बाद आपके सामने यहाँ पे अकाउंट इन्फो ओपन हो जाएगी। देन आपको नीचे जाना है, यहाँ पे कनेक्शन के नीचे आपको दिखेगा करंट फॉलो रिक्वेस्ट, आपको इसके ऊपर टैप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे वो सारे यूजर नेम्स देखने को मिल जाएंगे जिन्हें आपने रिक्वेस्ट भेजी है। अभी जो अगर आप इन यूजर नेम को अनफॉलो करना चाहते हो डायरेक्टली तो आप अनफॉलो कर नहीं पाओगे, जो अगर आप इस पर टैप करोगे तो प्रोफाइल ओपन नहीं होगी। आपको क्या करना है, इस यूजर नेम के ऊपर टैप करके रखना है, देन आपको इस यूजर नेम को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, सीधे सर्च बार में आना है देन इस यूजर नेम को पेस्ट कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैं इस यूजर नेम को पेस्ट कर देता हूँ, उसके बाद आप देख सकते हो अकाउंट डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। देन मैं यहाँ पे एक बार रिक्वेस्ट पे और टैप करूँगा एंड देन ये रिक्वेस्ट कैंसिल हो जाएगी। इस तरीके से आपकी जो भी रिक्वेस्ट पेंडिंग पे पड़ी हैं आप उन्हें कैंसिल कर सकते हो एंड आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी, और अगर वीडियो हेल्पफुल रहे हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना एंड दैट इज़ फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट।